नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं आपका दोस्त भारत जांगिड अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ठीक करने वाले हैं वर्लपूल 180 लीटर का दोस्तों ये जो फ्रिज है। तो दोस्तों ये फ्रिज का जो वर्क है वैसे हम करते नहीं, बाकी पड़ोस का फ्रिज है तो हम इसे चेक करने आए हैं और इसे चेक करके आपको बताएंगे किस कारण से इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों कस्टमर कहना है लाइट अंदर इसमें आ रही है और इसको भी इन्होंने फुल पे भी कर रखा है, बाकी ये कूलिंग नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों इसे हम चेक करने वाले हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं फ्रिज का जो बल्ब है ग्लो कर रहा है और इसका जो कंप्रेसर है वो चल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही। तो दोस्तों देखते हैं एक बार कंप्रेसर पर सप्लाई आ रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करके बताएंगे। ये देखिए, हमने इसका जो रिले ओवरलोड जो लगी होती है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, उस पर हम सप्लाई चेक करने वाले हैं। मीटर को एसी रेंज पर 600 वोल्ट पर रखा है हमने। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यूट्रल फेज जो दो वायर हैं इसके, उन पर कोई सप्लाई नहीं आ रही है, वोल्टेज 0-0 है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी नॉलेजफुल वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे इसके लिए हमें चेक करना होगा। तो उससे पहले हमें यहाँ से देखिए छोटा पेचकस, जो कि फोराइड का पेचकस की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ से लगभग चार ही पेच ज़्यादातर हर फ्रीजर के अंदर मिलते हैं, दो लेफ्ट राइट में, दो ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये जो पेच हैं हमें खोलने होंगे और काफ़ी सावधानी से खोल लें, ताकि आपका जो स्क्रू ड्राइव है जो हमारा फ्रीजर है उसके अंदर कहीं पे डैमेज नहीं कर पाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सेफ्टी से चारों पेच खोलने हैं, क्योंकि फ्रीजर में कहीं पे भी आपका स्क्रू ड्राइव लग गया तो आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों ये देखिए, इसका कारण भी मिल चुका है। वैसे ये यहाँ से इसका जो पाइप है थर्मोस्टेट का, दोस्तों ये वायर सा होता है जो पाइप ही होता है, क्योंकि थर्मोस्टेट के अंदर गैस होती है और ये इसका टूटा हुआ है। इसे हम देखेंगे किस कारण से ये टूटा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आसानी से आपको चारों तरफ से पहले इसके फ्रीजर से जो इसका डोर है, फ्रीजर का डोर, इसे चारों तरफ से इसके लॉक हटा लेने हैं, उसके बाद में इसको और फ्रीजर को भी आपको पकड़ के रखना है, ताकि फ्रीजर आपका बिल्कुल नीचे की तरफ ना जाए, क्योंकि फ्रीजर को भी ज़्यादा आप हिलाएंगे तो आपका जो फ्रीजर जहाँ से ज्वाइंट है कंप्रेसर के पाइपों पे, तो वहाँ से लीकेज हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल सेफ्टी से आपको यहाँ पे ये डोर हटा लेना है। उसके बाद में जो हमारे थर्मोस्टेट के ऊपर देखिए दो वायर लगे हुए हैं थिम्बल, दोनों को निकाल लेंगे हम, और दोनों थिम्बल्स को हम एक जगह आपस में क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे दोनों थिम्बल जो कि हमारे थर्मोस्टेट पर लगी हुई थी इसमें, और यहाँ पे इन दोनों को हमने इस टाइप से दोस्तों क्रॉस कर देना है आपस में। ये डायरेक्ट हो चुका है और इसके बाद में हम सप्लाई ऑन करेंगे। ये देखिए बल्ब जल चुका है और अब चेक करेंगे कंप्रेसर पे सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, हम कंप्रेसर के पास आ चुके हैं पीछे की तरफ, और ये हमने वोल्टेज चेक किया। दोस्तों देखिए वोल्टेज आ चुके हैं इस पर, 240 वोल्ट इस पर बिल्कुल आ रहे हैं, और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों मैं क्लैंप मीटर नहीं लाया हूँ, वरना आपको इसके जो एम्पियर है वो भी चेक कराता। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम है इसकी, ये थर्मोस्टेट के अंदर ही है, थर्मोस्टेट इसका ख़राब हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ से नॉब निकाल लेंगे हम इसकी, ये देखिए दोनों नॉब एक साथ निकल जाती है, उसके बाद में लॉक में ही फंसा हुआ है। तो हमने इसका जो थर्मोस्टेट है बाहर निकाल दिया, और ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे थर्मोस्टेट का जो वायर होता है पाइप, जो कि सेंसिटिव करता है इसको कूलिंग को, ये देखिए इसके अंदर आधा टुकड़ा फंसा हुआ है जो कि टूट चुका है, और इसे हम निकालेंगे एक बार। तो दोस्तों ये वायर नहीं होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसको निकाल कर टुकड़े को। ये देखिए ये जो टुकड़ा आगे से बॉल होता है, यहाँ से बंद होता है इसका, और इसके अंदर गैस होती है जो कि ठंडा होने पर गैस का प्रेशर अप डाउन होता है कूलिंग के हिसाब से। ये देखिए इसके अंदर होल भी नज़र आ रहा है आपको। तो दोस्तों नया थर्मोस्टेट हमने परचेज किया है मार्केट से, और थर्मोस्टेट की रेट की बात करें तो लगभग आपको 280 रुपये का मार्केट में अंदर मिल जाता है ओरिजिनल। तो दोस्तों ये देखिए, पुराना दिखाकर आप आसानी से थर्मोस्टेट परचेज कर सकते हैं। तो वर्लपूल कंपनी का हमने ओरिजिनल थर्मोस्टेट लिया है,
280 रुपये का। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे देखिए खोल के आपको चेक कराएंगे किस टाइप का है ये बिल्कुल। तो ये देखिए दोस्तों हमारा थर्मोस्टेट बाहर आ चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स है। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल इसको लगाएंगे हम, और इसके बाद में जो हमारा फ्रिज का टेम्परेचर भी बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल होगा। और ये देखिए इसको हमें इस टाइप से बिल्कुल सीधा कर लेना है वायर को आसानी से बिल्कुल। और ये जो वायर इसका टेम्परेचर वायर, इसको आपको ज़्यादा बिल्कुल मोड़ना तोड़ना नहीं है, वरना ये पाइप है जो आपका चौक हो सकता है और थर्मोस्टेट इसका प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये देखिए जो सेंसिटिव यहाँ से जो सेंसर इसका जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो जिस पे हमारा पीवीसी कोटिंग नहीं है, उसको हमने इसमें जैसे पहले लगा हुआ था उस टाइप से ही इसमें इसको सेट कर दिया है। और इसके बाद में दोस्तों देखिए हम थर्मोस्टेट को डोर के अंदर सेट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें कोई पेच है नहीं, बिल्कुल लॉक के अंदर ही फंसा हुआ है इसको, तो हम इसको लगा देंगे और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ दबाएंगे और ये फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल काफ़ी आसानी से लग चुका है। उसके बाद में हम दोस्तों ये देखिए दोनों थिम्बल हैं जो कि यहाँ से हमने निकाली थी पुराने थर्मोस्टेट से, उनको हम लगा देंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हम ये देखिए डोर को लगाने से पहले इसमें जो नॉब है इसकी, उसको सेट कर लेंगे ये देखिए। और ये ऊपर से जो इसकी डीफोर्स वाली नॉब है, उसको भी हम पुश करके लगा देंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हमें बिल्कुल चारों तरफ से लॉक सेट करके डोर को सेट कर लेना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल काफ़ी सेफ्टी से करना है ये वर्क, क्योंकि आपका फ्रीजर इस टाइप से डैमेज हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे हम पहले ऊपर के पेच लगाएंगे ताकि ये बार बार नीचे ना लटके, क्योंकि दोस्तों ये दो पेच हैं जो पूरे फ्रीजर का वेट और जितना भी सामान होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ही होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए टूल्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको इसमें। देखिए जो टूल्स हैं बिल्कुल एंटिक चाहिए, छोटा पेचकस चाहिए आपको बिल्कुल, टेस्टर से भी छोटा पेचकस चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी आसानी से फ्रीजर हमारा सेट हो चुका है, और जो दो साइड के पेच हैं उनको भी हम लगा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन चाहे तो हर एक काम और आसानी से कर सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसे सभी प्रकार की नॉलेज होती है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो दोस्तों ये देखिए लगभग इसके बाद में दोस्तों ये वायर है, बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं छोड़ना है इसको लूज, जिसको यहाँ पे सेट करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ कर देना, क्योंकि जो वायर था इसका, ये जो इसकी नीचे जो चिलर ट्रे होती है उसमें दोस्तों अटक अटक कर उसकी वजह से लूज था, जिसकी वजह से ये टूटा था और इसी वजह से ये फ्रिज ख़राब हुआ था। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें हमेशा, वायर को पूरा अच्छे से सेट कर दें, वरना ये भी वायर इसका इसी टाइप से टूट जाएगा। तो दोस्तों इसको हमने वापस से ऊपर की तरफ काफ़ी जगह यहाँ पे इसको सेट कर दिया है, और दोस्तों इसी वजह से बिल्कुल अटक अटक कर इसकी जो चिलर ट्रे थी हमारी, उसको बार बार निकालने पे लगाने पे उसकी वजह से इसका जो पुराना थर्मोस्टेट था वो टूटा था। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और ये देखिए हमने मिडिल रेंज पे इसको सेट कर दिया जो इसका रेगुलेटर है थर्मोस्टेट, और इसके बाद में दोस्तों हमने ऑन कर दिया है लाइट, देखिए ग्लो कर रही है इसकी, और बिल्कुल फ्रिज हमारा स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर में ही इसके अंदर कूलिंग भी आ जाएगी और बिल्कुल जो कट ऑफ है इसका वो भी प्रॉपर अच्छे से वर्क करेगा। तो दोस्तों इसी टाइप से आप थर्मोस्टेट चेंज कर सकते हैं, यदि बिल्कुल जीरो पे करने पर भी आपका जो थर्मोस्टेट वो जो फ्रीजर है उसके अंदर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जम जाती है बिल्कुल पहाड़ की तरह, तो आप इसी टाइप से किसी भी फ्रिज का थर्मोस्टेट चेंज कर सकते हैं, और इसमें आपको किसी भी मैकेनिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल थर्मोस्टेट से बिल्कुल सप्लाई आ चुकी है और हमारा कंप्रेसर इसका वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए इसका जो बॉक्स है उसको हम वापस से लगा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों
सभी प्रकार की आपको वीडियो चैनल पर मिल जाती हैं दोस्तों। तो सभी प्रकार के होम अप्लाइंसेस हम रिपेयर कर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।